बेसिकली ये कहानी एक पायलट की है, तो क्यों ना इस कहानी को उसी से सुना जाए जिसकी एक कहानी है। चलिए फिर। हाय, मैं डकोटा DS-088 का पायलट हूँ। आज मैं आपको अपनी कहानी बताने वाला हूँ जिसका कि टाइटल है द ब्लैक एरोप्लेन। चांद मेरे पीछे ईस्ट में आ रहा था और मेरे ऊपर साफ आसमान में सितारे चमक रहे थे। आसमान बिल्कुल साफ था और कोई भी बादल नहीं थे। मैं सोए हुए देहाती इलाकों के ऊपर से जा रहा था। मैं अपने पुराने डकोटा एरोप्लेन को फ्रांस के ऊपर से वापस इंग्लैंड ले जा रहा था। मैं अपनी छुट्टी का सपना देख रहा था और अपने फैमिली के साथ रहने का इंतज़ार कर रहा था। मैंने अपनी घड़ी देखा, उसमें सुबह के 1:30 बज रहे थे। मैंने सोचा कि मुझे जल्द ही पेरिस कंट्रोल को फ़ोन करना चाहिए। जैसे ही मैंने एरोप्लेन के नीचे देखा, मुझे अपने सामने एक बड़े शहर की रोशनी दिखाई दी। मैंने रेडियो को चालू किया और कहा, पेरिस कंट्रोल, डकोटा DS-088 एयर, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, ओवर। कंट्रोल रूम की तरफ से फौरन जवाब आता है, मैंने मैप और कंपास को चेक किया, फिर अपने दूसरे और आखिरी फ्यूल टैंक पर स्विच किया और डकोटा को 12 डिग्री वेस्ट में इंग्लैंड की तरफ मोड़ दिया। फिर मैंने सोचा, उम्मीद है मैं नाश्ते के लिए टाइम पर पहुंच जाऊंगा, एक अच्छा बड़ा इंग्लिश ब्रेकफास्ट। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, ये एक आसान उड़ान थी। जब मैंने बादलों को देखा तो पेरिस मुझसे लगभग 150 किलोमीटर पीछे था। तूफानी बादल, वे बहुत ही बड़े थे। वे आसमान में मेरे सामने खड़े काले पहाड़ की तरह लग रहे थे। मुझे पता था कि मैं इसके और ऊपर नहीं उड़ सकता और मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं था कि मैं उनके चारों तरफ नॉर्थ या साउथ में उड़ सकूं। मैंने सोचा कि मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए, लेकिन मैं घर जाना चाहता था, मुझे वो नाश्ता चाहिए था। फिर मैंने सोचा कि मुझे रिस्क लेना चाहिए और उस पुराने डकोटा को सीधे तूफान में उड़ा दिया। बादलों के अंदर अचानक सब कुछ काला हो गया था। एरोप्लेन के बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था। पुराना होने की वजह से एरोप्लेन उछलकर हवा में मुड़ गया। मैंने कंपास को देखा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। कंपास गोल गोल घूम रहा था, वो खराब हो चुका था। दूसरे इंस्ट्रूमेंट भी अचानक खराब हो चुके थे। मैंने रेडियो से बात करने की कोशिश की, पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? कोई जवाब नहीं आया, रेडियो भी खराब हो चुका था। मेरे पास ना कोई रेडियो था ना कोई कंपास, और मैं ये नहीं देख सकता था कि मैं कहाँ हूँ। मैं तूफान में गुम हो गया था। फिर मेरे बिल्कुल पास के काले बादलों में मैंने एक और एरोप्लेन को देखा। इसके विंग्स पर कोई भी लाइट्स नहीं थी, लेकिन मैं इसे तूफान में अपने साथ उड़ता हुआ देख सकता था। मैं देख सकता था कि पायलट का फेस मेरी तरफ है। मैं एक और आदमी को देखकर बहुत ही खुश हुआ। इसने एक हाथ से इशारा किया। मैंने सोचा कि वो बोल रहा है कि मुझे फॉलो करो। शायद वो जानता था कि मैं खो गया हूँ, इसलिए वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने एरोप्लेन को नॉर्थ की तरफ घुमाया, मेरे डकोटा के सामने, ताकि मेरे लिए उसको फॉलो करना आसान हो जाए। एक फर्मा बरदार बच्चे की तरह अजीबोगरीब एरोप्लेन के पीछे जाकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। आधे घंटे बाद भी अजीब ब्लैक एरोप्लेन मेरे सामने बादलों में था। अब पुराने डकोटा के लास्ट टैंक में 5 या 10 मिनट और उड़ान भरने के लिए लिमिटेड फ्यूल ही था। मुझे फिर से डर लगने लगा, लेकिन फिर वो नीचे जाना शुरू कर दिया और मैंने तेजी से उसका पीछा किया। अचानक मैं बादलों से बाहर आया और मेरे सामने रोशनी की 2 लंबी स्ट्रेट लाइन दिखाई दी। ये एक रनवे था, मैं अब सेफ था। मैं ब्लैक एरोप्लेन में अपने फ्रेंड को तलाश करने के लिए मुड़ा, लेकिन आसमान खाली था, वहाँ कुछ भी नहीं था। ब्लैक एरोप्लेन चला गया था, मैं इसे कहीं नहीं देख सका। मैं उतरा और दौड़ता हुआ सीधे कंट्रोल रूम की तरफ पहुँचा।
और कंट्रोल सेंटर में एक लेडी से पूछा, मैं कहाँ हूँ और दूसरा पायलट कौन था, मुझे उसे शुक्रिया बोलना है। वो मुझे बहुत अजीब तरह से देखी और फिर हंस पड़ी। एक और एरोप्लेन इस तूफान में ऊपर, आज रात कोई भी दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था, सिर्फ आपका ही था जिसे मैं रेडार पर देख सकती थी। तो किसने मुझे बिना कंपास या रेडियो के और बिना किसी फ्यूल के सेफली यहाँ तक पहुँचाने में मेरी मदद की? बिना लाइट के तूफान में उड़ रहे अजीब ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था? एक छोटा सा वार्निंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जो समझना सीखो मतलब कि इस चैनल के वीडियो को डाउनलोड करके अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हैं, वो प्लीज़ इसे एक बार पढ़ लें।